अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मेरा नाम इमरान खान है और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल आई के इलेक्ट्रिकल में। आज मैं आपको बताऊंगा सिंगल फेस की डीबी ड्रेसिंग कैसी होती है। उसमें मैंने टोटली सब बताया जो जो डीबी ड्रेसिंग होता है। अगर आपको इस वीडियो देखते हुए कुछ समझ में आता है या कुछ आप इस वीडियो से सीखते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि मैं हर संडे वीडियो लाता रहता हूँ। इसके बाद मैं थ्री फेस की डीबी ड्रेसिंग की वीडियो लाऊंगा, उसे भी ज़रूर देखना अगर आप थ्री फेस की डीबी ड्रेसिंग सीखना चाहते हो। अगर सिंगल फेस की सीखना चाहते हो इस वीडियो को पूरा देखना लास्ट तक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि मैं हर संडे वीडियो लाता हूँ। हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे डीबी ड्रेसिंग कैसे करते हैं। ये हमारे अशोक भाई हैं सऊदी अरब रिटर्न। ये हमने अर्थिंग को अलग निकाल के इस सब में टाई लगा दी है, टाई मार दी है। और अभी ये न्यूट्रल को अलग कर रहे हैं हमारे अशोक भाई। डीबी में बस कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। इसमें सिर्फ फिनिशिंग का ध्यान रखा जाता है, जितनी अच्छी से अच्छी फिनिशिंग करी जाए, और कुछ नहीं है। बड़ा सिंपल है डीबी ड्रेसिंग करना वैसे तो, मगर फिनिशिंग जितनी अच्छी आएगी तुम उतना अच्छा कारीगर हो। सही कह रहे हो ना अशोक भाई, जितनी अच्छी फिनिशिंग आप उतना अच्छा कारीगर। ये है न्यूट्रल लिंक, ये खोल के रख लेते थे हम, क्योंकि ये चोरी हो जाती थी यहाँ से। ये कम से कम 300 साढ़े 300 डीबी में से गायब हो गई थी। पीतल की होती है ये, इसलिए जब से खोल के रखने लगे थे, जब तक ये कुछ काम कर रहे हैं हम आपको रेट दिखा देते हैं और टावर दिखा देते हैं अपना, जिसमें हमारा काम चल रहा है। इसमें सिंगल फेस है, बाकी सब में थ्री फेस होगा। ये एरिया है जिसमें हमारा काम चल रहा है, और ये हमारे भाई लग रहे हैं काम में, बड़ी मेहनत करते हैं ये। ठंडों में भी पसीना पसीना हो जाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। अब ये न्यूट्रल लिंक में न्यूट्रल लिंक कर रहे हैं, बड़ी फिनिशिंग से काम करेंगे, बड़े अच्छे कारीगर हैं। मैं आपको बता देता हूँ, ये होते हैं फेरुल, ये डलने सब में इनका काम ये होता है, सीरीज बाय सीरीज डलते हैं ये होते हैं फेरुल। आपको दिख रहा होगा इसे कहते हैं फेरुल, ये रहे। सीरीज बाय सीरीज सारे वायरों में डल रहा है ये। जैसे लाइट का है तो, अगर लाइट का सर्किट है तो L1, अगर दूसरे रूम का है तो L2, ऐसे गीजर का है तो G3, AC का है तो AC4, ऐसे सीरीज बाय सीरीज चलते हैं, जिससे डीबी ड्रेसिंग करना बहुत आसान हो जाता है। सीरीज बाय सीरीज डलते हैं, जैसे ये हैं, ये डल रहा है AC7, तो ये AC का है। और जैसे ये डल रहा है AG3, तो ये गीजर का है। ये डल रहा है AW4, तो ये है वॉशिंग मशीन का, W से वॉशिंग मशीन। ये डल्ला है AL2, ये डल्ला है लाइट का, दूसरा सर्किट है, दो लाइट के, दो गीजर के, एक वॉशिंग मशीन का, दो AC के। ये सर्किट है यहाँ पर, इतने सर्किट हैं बस। ये सिंगल फेस की है, थ्री फेस की भी वीडियो बनाएंगे हम, थ्री फेस की दूसरे टावर में चलेगी। इसमें सिंगल फेस का काम है बस, इसलिए सिंगल फेस का ही है, इसमें थ्री फेस का भी है
21 या 22 सर्किटें एक 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 प्लेट में, बड़ा मज़ा आएगा उसे काम करने में। आपके लिए वीडियो हम जरूर बनाएंगे 3 फेज के लिए, बस ऐसे सपोर्ट करते रहना हमें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना। सीट वाइज सीट चल रहा है। ये लक लगा रहे हैं, जो इससे ये होता वायर लूज नहीं होता, अच्छी फिनिशिंग आती है और सही रहता है। ये लक टूल नहीं है हमारे पास, कल ले आएंगे, स्लिम प्लास से काम चला रहे हैं। ये हर साइज का होता है, 1.5 mm के लिए अलग, 2.5 mm के लिए, 4 mm के लिए अलग, 6 mm के लिए अलग, जैसे साइज वैसी। ये रहे लक, ये 4 mm का है, उसे लक कहते हैं। उसे टेप मार देंगे लक पे, उसे दबाने के बाद अब इसे कस देंगे हम न्यूट्रल लिंक में। जी न्यूट्रल सारे लुक हो गए, देखो जिस सीरीज से है ना, AL टूल, ये लाइट का है। ए से हमारा कंपनी का नाम है अल्फा, वो आ रहा है ए, ये लाइट है L1। अल्फा का काम है लाइट का पहला सर्किट है, ये दूसरा सर्किट है, ये गीजर का है, G1 ना है, ये वॉशिंग मशीन का है, ये पावर का है, और ये AC का है, ये AC का है। ये हो गई जी, AC सेम अर्थिंग में होगा और AC सेम ये वायर जो आ रहे हैं सर्किट के, AC सेम इसमें होगा। जैसे हमने न्यूट्रल लूप कराया ऐसी अर्थिंग लूप करेंगे अर्थिंग लिंक में, जैसे न्यूट्रल कनेक्ट कराया ऐसी अर्थिंग कनेक्ट करेंगे अर्थिंग लिंक में, बड़ी फिनिशिंग से। देखो जी हो गया सीरीज से 1 2 3 4 5 6 7 7 न्यूट्रल, 7 अर्थ, 1 2 3 4 5 6 7 7 अर्थ हो गए। अब 7 ही इसके सर्किट होंगे, अभी MCB बिठाएंगे और सर्किट लगाएंगे। MCB निकाली जा रही है, ये MCB लगा रहे हैं अब, ये टू पोल की MCB है, TP MCB, ये RCCB। चालीस एम्पियर की और 40 एम्पियर के MCB लग रही है, 40 एम्पियर के RCCB। ये 6 एम्पियर के दो लाइट के सर्किट के लिए, एक और ये दो, दो 16 एम्पियर की, एक गीजर के लिए और एक वॉशिंग मशीन के लिए। और 3 25 एम्पियर की है, 2 AC के लिए और 1 पावर के लिए। इसे लगाने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, ऐसे लगाओ और नीचे लॉक होता है, इसे ऐसे ऊपर पुश कर दो। ये TP MCB है, 14 एम्पियर की
और ये RCC भी है, ये भी 14 एम्पियर की, और ये 6 एम्पियर की लाइट के लिए, लाइट के सर्किट के लिए, और ये 16 एम्पियर की एक वॉशिंग मशीन के सर्किट के लिए और एक गीजर के लिए, और ये 25 एम्पियर की जो है 2 AC के लिए हैं और एक पावर के लिए। ये MCB सेटअप है। अब इसमें कनेक्शन करेंगे हम सर्किट के फिनिशिंग से और 1-to-1 करके। जैसे हमने फेरुल डाल रखे हैं फेरुल के हिसाब से, अब इसमें लक लगाएंगे, फिर प्लास से दबाएंगे, फिर पंच करेंगे, फिर लगा देंगे। लक लगाने का तरीका देख लो, एक साइड पहले दबाई, फिर दूसरी साइड दबा दी, फिर इसे पंच कर दिया, फिर पंच कर दिया, दो बार पंच कर देंगे, फिर टेप मार देंगे, फिर वायर को कनेक्ट कर देंगे MCB में। टेप लगा दी, अब वायर MCB में कनेक्ट कर देंगे स्टेप बाय स्टेप, जैसे हमारे फेरुल डले हुए हैं उस हिसाब से। कस देंगे, एक बार हल्का सा खींच के देखेंगे, लूज तो नहीं है, सही कस जाएगा तो छोड़ देंगे, सही कसना है, बिल्कुल टाइट लूज ना रहे। लास्ट सर्किट रहेगा, देखो जी सब हो गया कनेक्शन 1-to-1 करके। ये A से अल्फा, L से लाइट, 1-to-1 सर्किट, AC L2, 3, 4, 5, ये W से क्या कहते हैं वॉशिंग मशीन का है, ये G से गीजर का है, ये P से पावर का है, ये AC और AC7, ये AC के हैं। AC यहाँ पर आ गया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 AC यहाँ पर अर्थिंग के लिए, बिल्कुल फिनिशिंग से, बिल्कुल 1-to-1 करके स्टेप बाय स्टेप कनेक्शन होते हैं इसके। इन्हें फेरुल कहते हैं, ये जो डले हुए हैं इसमें ये फेरुल ये हर साइज के आते हैं, जैसे ये रहे 1.5 mm का, तो 2.5 mm का, 4 mm का, ये फेरुल है, ये इस काम ही आते हैं, इससे स्टेप बाय स्टेप हो जाता है। अब इसमें न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे हम, अब ये न्यूट्रल कनेक्ट कर रहे हैं हम इसमें, न्यूट्रल अगर MCB में लिखा हुआ होता है तो उस साइड कनेक्शन करना, वरना लेफ्ट साइड में न्यूट्रल कनेक्शन करना, लेफ्ट। लेफ्ट साइड MCB में करा है और लेफ्ट साइड ही RCCB में करेंगे। ये होगा न्यूट्रल कनेक्शन, ये पावर का लगा रहे हैं इसके MCB का, ये आउटपुट वायर है MCB का, आउटगोइंग, अभी RCCB में कनेक्ट हो जाएगा आउटगोइंग वायर। ये हो गया,
ये मेन सप्लाई आएगी मीटर में से, यहाँ पर यहाँ से वायर यहाँ कनेक्ट होगा, ये पावर कनेक्ट होगा या न्यूट्रल कनेक्ट होगा। न्यूट्रल यहाँ से निकल के इसमें गया आरसीसीबी में, इसमें आएगा आरसीसीबी में से न्यूट्रल लिंक में जाएगा। और ये पावर का है, यहाँ कनेक्ट हुआ मीटर में से आके, मीटर में से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ गया आरसीसीबी में, आरसीसीबी में से यहाँ आएगा ऊपर, फिर यहाँ से वायर एक होगा ऐसे घूम के आएगा, ऐसे लिंक होगा, फिर ये न्यू ऐसे सब में लिंक हो जाएगा, ये ऐसे कनेक्शन होंगे इसके। ऐसे कसी जाती है, पीछे वायर कसे जाते हैं, आगे जो होल होते हैं ना ये, इसमें पत्ती कसी जाती है, और ये पीछे जो है ना, पीछे वायर कसी जाती है। लो जी, एमसीबी की डीबी ड्रेसिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको सिंपल भाषा में बता देता हूँ इसके कनेक्शन कैसे होते हैं। ये एमसीबी और आरसीसीबी का जो ऊपर का हिस्सा होता है उसे कहते हैं आउटगोइंग। तो आउटगोइंग का मतलब बाहर जो निकलेगा इसमें से, जिसे लोड के बाहर जो निकलता है, लोड के वायर जिसमें कनेक्ट होते हैं, ये पी है, ये एन है, पावर का न्यूट्रल का। इसमें से पावर का एक निकला, ऐसे घूम के आया राउंड करके ऐसे आरसीसीबी में, ऐसे न्यूट्रल का एक ऐसे राउंड करके आया ऐसे घूम के ये आरसीसीबी में। अब आरसीसीबी से जो न्यूट्रल निकला है वो सीधा डायरेक्ट गया है न्यूट्रल लिंक में, ये रहा। और इसमें से जो पावर का निकला लाइन, जो लिखा लाइन, ये आया है ऐसे नीचे को, ये आ गया ये इसमें, और ये सारी ऐसे कनेक्ट हैं एमसीबी। तो इस सब में कनेक्शन हो गए ऐसे, और इसके सर्किट जो आ रहे हैं ये ऊपर आ रहे हैं ऐसे, ये हो गया जी इसका। अब बताता हूँ इनकमिंग जो आएगी, ये 32 का पाइप पड़ा है 32 mm का, इसमें से इनकमिंग आएगी, यहाँ कनेक्ट होंगे एमसीबी में, यहाँ होगा पावर का और यहाँ होगा न्यूट्रल एसी, फिर यहाँ से पावर न्यूट्रल एसी जाएगा आरसीसीबी में, आरसीसीबी में से न्यूट्रल न्यूट्रल लिंक में, और लाइन का पावर का इसमें, इनमें सब में लूपिंग का, लूपिंग हो जाएगी इसमें, सब में कनेक्शन हो जाएगा। ये हो गई फाइनल हमारी डीबी ट्रेसिंग, और हम धन्यवाद करते हैं अपने भाई का जिन्होंने हमारी मदद करी है इस वीडियो बनाने में। इनका नाम है अशोक, ये सऊदी अरब में, वैसे तो विदेश में ही काम करते हैं मगर यहाँ पर आ गए हैं लॉकडाउन की वजह से। थैंक यू भाई। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब और करना, क्योंकि ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे।